बहुत पुरानी बात है, एक समुद्र के किनारे एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। गुरु बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए उनके पास दूर दूर से शिष्य पढ़ने के लिए आते थे। गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। वो सबसे पहले शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे और उसके बाद कहते थे कि इसी ज्ञान का अनुसरण करो और अपने वैवाहिक जीवन में इसका प्रयोग करके देखो। ये बात आसपास के काफी गांव में पता थी कि यह आश्रम के गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। इसी बात को जानते हुए वहां के सम्राट ने एक दिन अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में आए और वो गुरु से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे, आपसे ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और अभी से यदि वो आश्रम में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो जरूर ये बड़ा होकर एक महान राजा और एक सच्चा राजा बनकर दिखाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये सम्राट का बेटा है, इसीलिए इसको किसी चीज का फायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जैसे प्रजा के बच्चे रहते हैं, उसी तरह मेरा बच्चा भी रहे, बिल्कुल साधारण रूप से वो आपकी सेवा करे, जो आप कहे वही काम करे। और यदि आप अपने तरीके से इसको ज्ञान देंगे, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगेगी और मैं चाहता हूं कि ये साधारण रूप से रहे। ये बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जब आप एकदम साधारण रूप से रहते हैं तभी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी भी इंसान का बड़ा या छोटा होना नहीं, बल्कि एक निर्मल मन होना चाहिए, वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे ये देख रहे थे, क्योंकि वो सम्राट अपने बेटे को रथ पर बैठा कर लाए थे, इसीलिए आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि एक सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर के बाद सम्राट वहां से चले जाते हैं। अपने बेटे को अकेले छोड़कर जब जा रहे थे तो सम्राट का बेटा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उनके पिताजी उनको अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये जब गुरुजी को पता चला तो गुरुजी उस बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने निकले, लेकिन वो सम्राट का बच्चा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो वहां पर जोर जोर से रोने लगा। तभी गुरुजी उनके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हारे आंसू पहुंच दूंगा तो तुम्हें अकेलापन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, इसीलिए उसे अकेले रहकर ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि वो दुनियादारी को समझ सके। मुझे पता है कि तुम्हें दुख है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन यदि वो तुम्हें आज अकेले नहीं छोड़ेंगे तो तुम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे, तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी बनाना चाहते हैं कि तुम एक बड़े राजा बनो, मजबूत राजा बनो, और उसके लिए इंसान को अकेले रहना जरूरी है, अकेलेपन से गुजरना जरूरी है। सम्राट का बेटा बहुत छोटा था, उसकी उम्र बिल्कुल 8 साल की थी, वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसके बाद गुरु शिष्य को लेकर वापस आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उनके पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि एक सम्राट का बेटा है, वह सम्राट के बेटे से दोस्ती करने से हमें जरूर फायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अकेलेपन को महसूस करना चाहते थे, वो अकेलेपन को ही पसंद करते थे, इसीलिए वो सम्राट के बेटे के पास नहीं आया। लेकिन बहुत सारे बच्चे उनके पास बैठे थे, जब वो खाना खाने बैठे तो सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे के पास ही बैठे। गुरु को इस बात का पता था, लेकिन गुरु अपने तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अभी से मैं इस बच्चे को कठोर से कठोर परिस्थिति में डाल दूं, हो सकता है अभी ये छोटा है, अभी ये समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वो गुरु उसको उसी के तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, बड़ी कोमलता से उसको ज्ञान देना चाहते थे। फिर बहुत दिनों तक उसे उपदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया गया, लेकिन एक दिन गुरु उसको एक पहाड़ी के पास लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं, बेटा आज रात तुम्हें इसी पहाड़ी पर रुकना है। ये बात सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया, उसने कहा कि गुरुदेव मुझे अकेला क्यों रहना पड़ेगा, आखिर ऐसा कौन सा आप ज्ञान देना चाहते हैं। गुरु कहते हैं, ये तो तुम जब अकेले रहोगे तभी इसी बात को समझ पाओगे, आज तुम्हारा ये आखिरी परीक्षा का दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत उपदेशों से ज्ञान दिया है, अब मैं तुझे उसका अनुसरण करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस ज्ञान को अर्जित करो।
गुरु आश्रम को रवाना होते हैं, उससे पहले उस बच्चे से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जब इस पहाड़ी पर खड़े रहो तो छुप कर खड़े रहना, यहाँ पर एक बाज आती है और वो बाज क्या करती है, उस बाज से तुम क्या सीखते हो, मुझे वापस आकर आश्रम में ये सब चीज बताना। वो बाज रात में भी आ सकती है, वो बाज सुबह होते भी आ सकती है, लेकिन जब तक वो बाज ना आए और इस बाज से तुम कुछ ना सीखो तब तक तुम आश्रम में मत आना। और एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चरावा भी आता है अपने भेड़ों को लेकर, उन दोनों की बातें जो भी तुम सीखते हो मुझे वापस आश्रम में आकर बताना, और जब तक वो दोनों ना आ जाए और तुम कुछ ना सीख पाओ तब तक तुम आश्रम में मत आना। ये कहकर गुरुदेव वहां से आश्रम में चले जाते हैं। अब वो बच्चा वहीं पर छुपकर बैठ जाता है। उसके बाद वो जो एक दृश्य देखता है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बाज आती है और एक छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर लेकर उड़ जाती है, और वो बाज उसी पहाड़ी पर लेकर आती है जहां पर वो बच्चा बैठा होता है। बच्चा बड़ा छुप कर उस बाज को देख रहा था। उसके बाद ये सब दृश्य देखकर वो बच्चा भागता हुआ आश्रम में जाता है और अपने गुरु से जाकर मिलता है। लेकिन वो सब बात बताता उससे पहले वो बच्चा कहता है, गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो सारे बच्चे सुने, पूरे आश्रम के बच्चे सुने, जो मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सुने। ये कहते हुए गुरुदेव सभी बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं और वो बच्चा उसके बाद बताना शुरू करता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है कि गुरुदेव मैंने जो वहां पर देखा वो दृश्य बड़ा ही गजब का था। एक बाज अपने बच्चे को लेकर आती है और उस पहाड़ी पर रुक जाती है। उसके बाद वो बाज अपने पंजों में उस बच्चे को पकड़कर आसमान में ऊपर चली जाती है। इतनी ऊपर चली जाती है कि नीचे से तो वो दिखाई नहीं देती। वहां पर जाकर वो बाज अपने बच्चे को छोड़ देती है और उसका बच्चा बहुत ही तेजी से नीचे आने लगता है। उस बच्चे को इस चीज का पता ही नहीं रहता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर धरती से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है और वो बच्चा अपने पंख खोलता है और पंख खोलते हुए भी वो उड़ नहीं पाता है। फिर वो फड़फड़ाता है और फिर धरती की तरफ तेजी से आता है। फिर वो बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है अपने पंख खोलकर फड़फड़ाने लगता है और वो पहले बाज की उड़ान होती है। थोड़ी सी उड़ान ही भर पाता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो जल्दी उड़ नहीं पाता। लेकिन तभी वो धरती पर गिरने वाला होता है लेकिन ऊपर से एक पंजा आकर उस बच्चे को अपने आगोश में ले लेता है और वो पंजा होता है उसकी माँ का। और मैंने देखा कि वो बच्चा जब तक उड़ना नहीं सीखा तब तक वो बाज ऊपर ले जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। यही उसकी पहली परीक्षा होती है। भले वो कोमल है, भले वो बच्चा है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा ये खुद को बचा नहीं पाएगा। उस बाज से हमें ये सीखना चाहिए, हमें कभी भी कोमल माहौल में नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों को चुनना चाहिए, हमें हमेशा कठोर बन के रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में जिंदे रह सकते हैं। क्योंकि ये नियति का नियम है, नियति भी उसे ही चुनती है जो सबसे ताकतवर होते हैं। और जैसे वो उड़ना सीखता है वो माँ उस बच्चे पर अपना अधिकार छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब बाज का बच्चा उड़ना सीख जाएगा तो वो जीना सीख जाएगा। मैंने बाज से जो दूसरी बात सीखी वो ये थी कि वो बाज जब भेड़ के बच्चे को उठाने आई थी तो उसने अपना एक लक्ष्य तैयार किया था। वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है और लेकर उड़ सकती है, लेकिन उस बाज ने किसी पर भी हमला नहीं किया। सबसे पहले आकर भेड़ के एक मेमने को उठाया। उसने अपना लक्ष्य बहुत दूर से ही तय कर दिया था कि उसी चीज को लेकर जाना है। और इस बात से हमें यह सीखनी चाहिए कि जगह जगह मेहनत करने से अच्छी है हमें एक जगह मेहनत लगानी चाहिए, एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और पूरा 100% हमें उसी चीज पर लगा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि बाज हमेशा पहली ही बार में शिकार कर देता है, नहीं, वो हजार बार कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हार कर बैठ जाता है। वो हमेशा शिकार करना जानता है, वो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। उसकी एक खासियत होती है, वो हमेशा जिंदा जानवर को मार कर खाएगा, अपने खुद के हाथों से शिकार करके खाएगा। तीसरी बात जो मैंने बाज से सीखी वो है अकेलापन। जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप दुनिया में किसी से जीत नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। अकेले रहकर अपने आप को जानना होता है। बाज हमेशा अकेला होता है,
वो हमेशा अकेला शिकार करता है। आपने धरती पर रहने वाले जंगल के राजा को देखा होगा, शेर भी हमेशा झुंड में शिकार करता है, लेकिन बाज एक ऐसा जानवर होता है जो अकेला शिकार करना जानता है। वो अकेला ही करता है, वो कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता। वो आकाश में उड़ता है तो भी अकेला ही होता है, शिकार करता है तो भी अकेला होता है, कभी भी किसी का सहारा लेकर शिकार नहीं करता। हमें भी किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा अकेला रहना चाहिए। अकेला इंसान इस दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। चौथी बात जो मैंने बाज से सीखी, बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तब उसे मरने का एक दिन आता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उड़ने का शिकार नहीं कर पाता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पैरों में बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं जिसे ना तो वो किसी को पकड़ पाती है और ना ही अपने चोंच से किसी का शिकार कर पाती है और ना ही वो आकाश में ऊपर उड़ पाती है। उसके बाद बाज के पास दो रास्ते रहते हैं, या तो यूं ही बैठकर मर जाना, भूखे प्यासे मर जाना, या फिर दूसरा रास्ता अपने आप को वापस तैयार करना और वापस 30 साल के सफर पर निकल जाना। लेकिन बाज होता है बाज, वो दूसरे रास्ते को अपनाता है। वो एक पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। भले वो थोड़े दिन उस चोंच से शिकार ना कर पाए, लेकिन उसे पता है इस परिस्थिति से यदि मैं नहीं निकलूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसके बाद अपनी चोंच से ही पंखों को तोड़ तोड़ कर निकाल देता है, क्योंकि उसके पंख भारी होकर चिपक जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अपने पंखों को अपने ही चोंच से तोड़ कर निकाल देता है। खून से लोलुहान हो जाता है। उसके बाद अपने पंजों पर बड़े नाखूनों को जोर जोर से रगड़ रगड़ कर धरती पर उसे तोड़ता है। उसके बाद वो 5-6 महीने तक उसी दर्द को झेलता है, कोई शिकार भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद एक तैयार होता है, एक नए बाज का जन्म होता है और वो 40 साल के अनुभव के साथ फिर आकाश में उड़ता है और अपने इलाके का वापस अपनी आवाज के साथ उसका ऐलान करता है। क्योंकि हमें हमेशा बाज से सीखना चाहिए, हमें बाज की तरह बनना चाहिए, क्योंकि जो तोता होता है वो बोलता बहुत मीठा है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, वो पिंजरे में बैठे बैठे सिर्फ बोलता है, कर कुछ नहीं पाता। लेकिन एक बाज होता है जो आकाश को अपने पंखों से नाप लेता है। उसके बाद वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मैंने बाज से जो सीखा वो मैंने इन सबको बता दिया, यदि इसमें कोई बात छूट गई हो तो आप हमें बताने की कृपा करें। उसके बाद गुरु कहते हैं, जो भी इस बच्चे ने बात बताई वो बिल्कुल बात सत्य है और ये बातें बिल्कुल सच्ची है, हमें बाज से सीखना चाहिए और जो ये बातें बताई गई है उसका अपने जीवन में जरूर अनुसरण करना है। ये कहते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आज इस बच्चे की सारी परीक्षाएं खत्म हो गई, इनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं इस बच्चे को वापस इसके राज दरबार में छोड़ने जा रहा हूँ। ये कहते हुए गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और वापस उसको आश्रम से लेकर राज दरबार में छोड़कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।